नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? मजे में? अरे वाह! देखिए बच्चों, आपने आपकी कक्षा 5 की दूसरी इकाई जो पिछले तास में सीखी थी, क्या था इसका नाम? बिल्कुल सही, गिनती। आपने गिनती तो बहुत अच्छे से सीख ली। तो आज हम यहाँ पर मिलकर एक और नई इकाई सीखेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ, ठीक है? आप उस चित्र को ध्यान से देखिए और फिर मुझे उसके बारे में बताइए। देखा बच्चों, आपने तो कई व्यवसायकारों के नाम सुने होंगे, जैसे सुनार, लुहार, डॉक्टर वगैरह। यहाँ पर भी एक व्यवसायकार है, लेकिन ये सबसे अनूठा व्यवसायकार है, क्योंकि वह हमारी सरहदों पर अपनी जिंदगी यानी कि अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सबकी यानी कि हमारे पूरे देश की सुरक्षा करता है। तो आपने सुना होगा कि मैं किस व्यवसायकार की बात कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर एक सैनिक यानी कि एक फौजी की बात हो रही है। आपने सुना है ना कि वह कितनी भी धूप हो, कड़ी बारिश हो या फिर तेज़ हवा चल रही हो, वो कहीं भी अपनी सरहद पर रहता है और वह वहाँ पर अपने देश की पूरी सुरक्षा करता है। जब भी उसे कुछ लड़ाई होती है या फिर कुछ दंगे हो जाते हैं, तो उसमें भी वह अपनी कार्य भूमिका निभाता है। तो आज हम मिलकर एक ऐसे ही निडर, बहादुर और जांबाज सैनिक की एक कविता सुनेंगे। आपको मज़ा आएगा मेरे साथ? तो चलिए, तो आप और मैं दोनों शांति से इस कविता का श्रवण करेंगे। गीत को सुनिए। Thank you.
का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। विद्यार्थी मित्रों, आपकी उम्र का एक बच्चा आज देश का सिपाही बना है। वह कह रहा है, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रस्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं। समझूती, मैं नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का छोटा सा सिपाही हूं, तुम सब लोग मेरे साथ जय हिंद बोलो। देशभक्ति के रास्ते में डर डर के नहीं चलूंगा, चाहे मुझे कितने ही कष्ट आए या रास्ते में बाधाएं आए, मैं मंजिल से पहले आराम नहीं करूंगा, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। विद्यार्थी मित्रों, देशभक्त बच्चा बड़ा होकर अपने देश के लिए पसीना बहाएगा। वह कह रहा है, धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहां, हरे हरे खेत लहराएंगे वहां, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं। समझूती, धूप में भी देश के लिए काम करूंगा, पसीना बहाऊंगा, मेरी मेहनत से हरे हरे खेत लहराएंगे, मेरे रहते हुए धरती पर पाप करने वालों का जन्म नहीं हो पाएगा, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। विद्यार्थी मित्रों, आप जैसा बच्चा कहता है, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हर दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं। समझूती, मैं बड़ा होकर हमारे देश का सहारा बनूंगा, मैं सारी दुनिया को दृष्टि दूंगा, मैं ऐसा कार्य करूंगा जिससे दुनिया को मेरी राह पर मेरी आंखों से चलना पड़ेगा, मैं अपने देश के तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचा रखूंगा, मैं आगे ही बढ़ता जाऊंगा। विद्यार्थी मित्रों, नन्ना सिपाही कह रहा है, शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं। समझूती, मेरा देश शांति की नगरी है, मैं पूरी दुनिया को प्यार से शांति से चलने का व्यवहार सिखाऊंगा, मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा। चलिए बच्चों, तो आपको इस कविता का श्रवण करने में मजा आया? वेरी गुड बच्चों, आपको पता है कि जब कोई लेखक पाठ लिखता है तो वह भी कितने सारे उसके विचारों उसमें रखता है। अभी हमने यह कविता सुनी, तो कविता की रचना जो करता है उसको हम कवि कहते हैं। आपको पता है कि इस सुंदर कविता के रचनाकार कौन है? आइए हम उनके बारे में जानते हैं। इस कविता की रचना करने वाले कवि का नाम है श्री शकील बदायूनी। श्री शकील साहब हमारे भारत में उत्तर प्रदेश जिले के बदायूं गांव के वतनी थे। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने हिंदी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं में अपना प्रभुत्व जमा लिया था। आपको पता है, जब वह आपकी तरह छोटे थे तो उन्हें गीत
लिखने का बहुत ही शौक रहा था। वह जब छोटे थे तो आसमान को देखकर, कभी कभी बारिश को देखकर, कभी कभी चांद और सितारों को देखकर बहुत सी सुंदर कविताएं लिखा करते थे। वे एक ऊंचे दर्जे के गजलकार भी थे। आपको पता है बच्चों, उन्होंने कई फिल्मों में अपने गीत दिए हैं। बहुत सारी लोकप्रिय फिल्में उनके नाम पर है, जो आज भी सब लोग सुनते हैं बड़े चाव से। श्री शकील बदायूं का इंतकाल हुआ 20 अप्रैल 1917 को, सिर्फ 53 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। यह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी ये गौरवपूर्ण कविता हमारे बीच आज भी अमर है। बच्चों, तो आज हम सब मिलकर कविता का पठन करेंगे। आपके पास आपकी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक होंगी, तो आशा करती हूँ कि आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलें और उसकी तीसरी इकाई पर ध्यान दें। जब मैं जो जो पंक्तियाँ पढ़ूंगी, तो आप भी मेरे साथ उसी पंक्तियों को दोहराएंगी, ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आपके पास आपकी 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जरूर होंगी। तो चलिए बच्चों, हम इस काव्य का पठन शुरू करते हैं। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रस्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी ना पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हर दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ।